हाय, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाकी के इनपुट। HTML5 के नए इनपुट जो आए हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। और पिछले दो फॉर्म वीडियो में मेरे दो तीन इनपुट बाकी रह गए थे, वो भी मैं आज कवर करने वाली हूँ। सो जिन्होंने नहीं देखा है मेरे फॉर्म के पहले Part 1 और Part 2 के वीडियोज, वो मेरे YouTube लिंक के नीचे, मैंने YouTube पे नीचे लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ यही मैं कंटिन्यू करके बताती हूँ HTML5 के नए इनपुट। तो उससे पहले जो एक दो इनपुट है वो भी बता देती हूँ मैं। सबसे पहले जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो है फाइल। अगर आपको फॉर्म में फाइल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको लेना होगा इनपुट। आपको बस बेसिकली यहाँ पे टाइप की जगह पे यहाँ पे लिखना है फाइल और सेव करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे लास्ट में कि चूज फाइल का ऑप्शन आया है। चूज फाइल का ऑप्शन आया है तो आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इसे लेबल भी दे सकते अगर आप चाहते हो इसे लेबल भी दे सकते हो। तो मैंने इसमें लेबल नहीं दिया, आप लेबल चाहिए तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ लेबल दे देती हूँ सिलेक्ट फाइल करके और सेव करती हूँ। तो आप देख सकते हो लेबल डाल दिया मैंने यहाँ पे। सो लेबल आपकी मर्जी है, ये मोस्टली लेबल जो है कंपलसरी होता है। अगर आप PHP में सीख रहे हो तो लेबल देना जरूरी होता है, बट अभी के लिए आप HTML सीख रहे हो तो अगर लेबल नहीं भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनपुट में कलर कैसे देते हैं। तो जैसे कि अभी आपने सीखा ये फाइल कैसे देते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ जो पहले का है एक नया बना देती हूँ, क्योंकि ये पूरा नया है तो मैं एक नया बना देती हूँ पूरा। ठीक है, अभी नए फॉर्म में जो नया आया है वो है कलर। तो सबसे पहले मैं इनपुट दे देती हूँ। तो इनपुट लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप जो है उसके उधर लिखना है कलर एंड सेव। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कलर का ऑप्शन आया है, तो आप कलर भी चूज करते हो, चूज कर सकते हो। अगर आपको एक फॉर्म में कलर डालने हैं, बहुत सारे कलर इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पे RGB है, हुई सैचुरेशन लाइट, HSL है। तो अगर आपको फॉर्म में कलर डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो ये सब नए नए इनपुट है, वो मैं आपको एक एक करके सारे बता देती हूँ। और अगर आपको इसको लेबल देना है तो आप लेबल भी दे सकते हो। लेबल कंपलसरी नहीं है, सिर्फ PHP में कंपलसरी होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। पर मैं चाहूंगी आप लेबल के साथ ही करो ताकि आप अच्छे से सीखो। तो यहाँ पे मैंने लेबल दे दिया कलर, तो आप कलर कोई भी चूज कर सकते हो। अभी मैं दूसरा जो इनपुट है यहीं कॉपी पेस्ट करके नीचे बताती हूँ। दूसरा इनपुट जो है मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो पहले मैं बताती हूँ डेट, यहाँ पे मैं लेबल दे देती हूँ डेट। ओके, यहाँ पे मैं ब्रेक दे देती हूँ ताकि बेटर दिखे। तो डेट में है आपको टाइप जो लिखना है वो है कलर के बदले, आपको टाइप लिखना है इनपुट टाइप डेट। तो डेट लिखने से क्या होगा, ये देखिए आप देख सकते हो डेट आ गई है, तो आप डेट भी लिख सकते हो। अब जैसे आप एरो करोगे तो आप कोई भी डेट सिलेक्ट करके लिख सकते हो। तो फॉर्म में अगर आपको डेट देना है तो आप डेट भी दे सकते हो। अभी डेट जैसे डेट है वैसे ही टाइम भी है, तो मैं यही कॉपी पेस्ट करके आपको बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे लेबल दे दूंगी टाइम, और आपको टाइप की जगह टाइम लिखना है। बस डेट है वैसे ही आपको टाइम लिखना है। तो आप सेव करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप टाइम दे सकते हो। यहाँ पे आपका AM और PM आएगा, AM और PM आता है, और यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। आपको जो टाइम देना है 5 बज रहे 6 बज रहे जो टाइम देना है आप दे सकते हो। तो इस तरह टाइम आप फॉर्म में डाल सकते हो। दूसरा एक और है वो है डेट और टाइम दोनों आपको अगर आपको एक साथ देना है, आप चाहते हो अलग नहीं देना है, मुझे डेट और टाइम एक साथ देना है, तो मैं वही सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक लेबल दे देती हूँ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, डेट टाइम स्लैश लोकल, मतलब लोकल टाइम क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेट भी आ गई है और टाइम भी आ गया है साथ में। तो आप साथ में टाइम भी दे सकते हो और यहाँ पे AM PM भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए आप AM PM भी आ गया है और यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हो। सो द नेक्स्ट अभी मैं बताने वाली हूँ आपको वो है
तो डेट और टाइम हो गया, अभी मंथ बताती हूँ मैं आपको। तो मैं यही सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूंगी। तो डेट एंड टाइम के बदले आपको यहाँ पे लिखना है मंथ, मंथ लिख देती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे टाइप सिंपल है, टाइप आएगा मंथ, मंथ का टाइप मंथ। तो आप मंथ भी दे सकते हो यहाँ पे, आप सिलेक्ट करोगे तो आप कोई भी मंथ दे सकते हो। यहाँ पे देखिए डेट अपियर नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मंथ दिख रहा है। मंथ क्या है, मई 2020, अप्रैल 2020, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ ही दिखेगा, एक पर्टिकुलर डेट नहीं दिखेगी। ठीक है, वैसे ही वीक का भी होता है, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। सो अभी वीक के लिए भी सेम चीज करनी है, यहाँ पे मंथ की जगह आपको जस्ट वीक लिखना है। ये सब नए नए हैं, अभी HTML5 में आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वीक लिख देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीक दिख रही है पूरी एक हफ्ते की। तो ये वीक है 19 पूरा, ये पूरा वीक का आ रहा है, वीक का पूरा आ रहा है। तो आप वीक भी दे सकते हो इस तरह। दूसरा जो है वो है, अभी मैं आपको, ये हो गया डेट टाइम मंथ और वीक। अभी मैं आपको बताऊंगी नंबर्स, नंबर्स कैसे देते हैं। तो नंबर्स के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, ये कॉपी पेस्ट करती हूँ यही। आपको बस इनपुट में टाइप देना है सेम चीज। नंबर के लिए अभी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे मैं लेबल दे देती हूँ सबसे पहले नंबर, और आपको यहाँ पे टाइप चेंज करके नंबर लिखना है और सेव करना है। सो नंबर देने के बाद आप देखिए कितने भी नंबर दे सकते हो यहाँ पे नंबर, सॉरी आप ये नहीं दे सकते, सिर्फ नंबर ही दे सकते हो। तो देखो आप कितने भी नंबर दे सकते हो, तो ये बहुत नंबर दे सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट के नंबर ही चाहिए, इतने नंबर नहीं चाहिए, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे है ना बस इतना लिखना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम देना है आपको, मिनिमम मैं चाहूंगी एक से स्टार्ट हो, और दूसरा देना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैं चाहूंगी, मैक्सिमम सिर्फ 100 से ज्यादा नंबर्स नहीं होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। तो आप जो है अभी यहाँ पे मैं 1000 लिख के, अगर मैं अभी यहाँ पे सबमिट का बटन दबाऊंगी तो वो अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने अभी तक सबमिट सिखाया नहीं, सबमिट का बटन भी लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अगर यहाँ पे 100 लिखोगे तो सबमिट आप प्रेस करोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिट दिखाएगा कि 1000 इज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लिमिट भी सेट कर सकते हो, और लिमिट नहीं सेट करना है, आप चाहते हो इन्फिनिटी रहे नंबर तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेंज। रेंज और नंबर एक जैसे ही है, उसमें भी आप क्या बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम सेट कर सकते हो। तो मैं नंबर की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगी रेंज, और अभी से सेव करती हूँ, और टाइप भी मैं रेंज लिख देती हूँ, और अभी से सेव करती हूँ। सो देखिए ये भी नंबर ही है, बट ये ऐसा ऐसा अपियर होगा, नंबर की तरह ही है ये भी, पर ये ऐसा दिखेगा आपको। मतलब अगर आप यहाँ पे 100 रखोगे तो उस तरह घूमेगा, अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मैं नहीं दूंगी तो वो उसके हिसाब से घूमेगा। ये आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप ये देखिए ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर मैं कोई एक लिमिट नंबर देती हूँ तो वो एक सेट छोड़ के घूमता है यहाँ से वहाँ। तो ये रेंज देने के लिए काम आता है, तो एक नंबर की जैसा है बट ये इस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया रेंज। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ईमेल। तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, रेंज की जगह आपको बस ईमेल लिखना है यहाँ पे, और आपको टाइप देना है ईमेल। ओके, सो ईमेल देने से क्या होगा, अगर आप सबमिट करोगे तो @ अगर नहीं लिखा तो सबमिट के टाइम पे वहां पे बताएगा कि आपने @ नहीं लिखा है। तो मैं आपको एक सबमिट का बटन भी बताती हूँ, और उससे पहले मैंने एक चीज मिस्टेक किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं लिखा है, ये सब जो है फॉर्म के अंदर आता है, तो फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले फॉर्म का टैग दे देती हूँ, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है वो सबसे नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी सेव करती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैं सबमिट का बटन बताती हूँ आपको, पहले तो यही कॉपी करके पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लेबल जो है वो सबमिट दे देते हैं, और टाइप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबमिट, बस।
अभी सेव। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सबमिट का बटन आ गया है। अभी ईमेल है, ईमेल जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ईमेल लिखा और एट द रेट नहीं लिखा है, और अभी मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब आ रहा है प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, टाइप जो है इनपुट टाइप जो है वो मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है। सो ये इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म में, इनपुट जो हम लोग टाइप देते हैं उससे फॉर्म का टाइप डिसाइड होता है। वैसे ही यहाँ पे मैंने नंबर जो है 1000 अगर डाल दिया और अगर मैं सबमिट डाल रही हूँ तो देखो वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज रखा है मिनिमम टू मैक्सिमम 100 है। सो तो 100 ही होना चाहिए, 1000 मैं नहीं लिख सकती इसमें। तो आप इसमें इस तरह ये सबमिट का सबमिट बट मतलब ये जो है टाइप काम आते हैं, ठीक है। जब सबमिट करते हो तभी वो एरर बताते हैं। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट टाइप बताने वाली हूँ वो है URL। अगर आप चाहते हो कि URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब होता है अगर आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट फॉर्म में आप किसी वेबसाइट भी इंक्लूड करें, आप चाहते हो कि जो सामने वाला है वो अपनी वेबसाइट भी बताए, तो आप URL भी दे सकते हो। तो URL के लिए आपको कुछ नहीं, सेम चीज करनी है। यहाँ पे मैं ईमेल के बदले आपको URL लिखना है जस्ट, और यहाँ पे ईमेल के बदले टाइप जो है आपको URL देना है, टाइप आपको URL देना है। यहाँ पे आपको लिख सकते हो आप इंसर्ट योर वेबसाइट नेम, सो योर वेबसाइट नेम, ओके। सो अभी देखिए आप यहाँ पे जो है इंसर्ट योर वेबसाइट नेम आपने टाइप दिया है URL। तो URL का यूज क्या है मैं बता, वेट, हाँ तो URL का यूज क्या है, अगर आप यहाँ पे बाय चांस आपने लिखा कि abc.com, ठीक है, और अभी मैं सबमिट कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्लीज एंटर ए URL, मतलब आपको जो URL हम लोग देते हैं https करके आपको वैसे ही एंटर करना है। इसका कहने का मतलब आपको http करके / रोड टू वेब, अभी भी आप सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। सो http देना बहुत जरूरी है। तो URL ये काम करता है फॉर्म में। दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ सर्च, अगर आप चाहते हो आपके फॉर्म में सर्च बार हो तो वो भी हो सकता है। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, लेबल में आपको सर्च लिखना है और टाइप में आपको सर्च लिखना है, जस्ट सिंपल है, आपको बस टाइप सर्च लिखना है तो वो सर्च हो जाएगा, और अभी सेव करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्च का बॉक्स आ गया है, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कुछ भी लिखोगे वो फिर सर्च हो जाएगा। तो ये सिर्फ सर्च के लिए, अगर आप चाहते हो फॉर्म में डालना है तो डाल सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ रीसेट। तो लास्ट जो हमारा है वो है इनपुट रीसेट। तो जैसे ये सबमिट का बटन है उसके बाजू में आप रीसेट भी डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सबमिट के बदले आपको यहाँ पे लिखना है रीसेट। और टाइप आपको देना है रीसेट। तो मेन इम्पोर्टेंट इनपुट में यही है कि टाइप जो है वो प्रॉपर देना है। अगर आप ईमेल डाल रहे हो तो ईमेल का टाइप देना है, अभी मैं रीसेट डाल रही हूँ तो रीसेट का टाइप देना है। रीसेट का क्या नाम से आपको पता चलेगा, मतलब सबसे सब रीसेट करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया है और मैं चाहती हूँ ये नहीं चाहिए कुछ भी, ये सब मैंने डाल दिया, तो आप रीसेट एक क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से सब चला गया, एक ब्लैंक फॉर्म वापस आपको मिलेगा। तो रीसेट का काम ये होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट HTML की फाइल के नए नए इनपुट है सब कवर कर लिया है, और कुछ भी रह गया होगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मेन इम्पोर्टेंट फॉर्म में यही है कि आपको इनपुट का जो टाइप है वो प्रॉपर देना है। अगर नंबर है तो नंबर देना है, इनपुट का टाइप सर्च है, सबमिट है तो सबमिट देना है, URL है, ईमेल है, तो अगर आप टाइप बराबर दोगे तो वो काम अच्छे से करेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ये सब फॉर्म के अंदर ही डालना है, फॉर्म टैग ओपन और क्लोज होने के अंदर ही ये सब आएगा। अगर आप इसे बाहर लिखोगे तो ये कोई यूज का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म कंप्लीट होता है। मैंने HTML के जो सारे फॉर्म है और HTML5 के नए फॉर्म है वो भी आपको सिखा दिए। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
अभी के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।